बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 कंटिन्यू करेंगे। ये पेज 102 पे है और क्वेश्चन है नंबर 10। एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगली रकम है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और तीसरी वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये आ गई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको करके देखते हैं फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, जो कि बनता है एक्स कॉमन ले लिया एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 3। तो फैक्टर्स आते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। कॉमन फैक्टर बड़े ऑब्वियस हैं, ये एक्स प्लस 3, ये एक्स प्लस 3 और ये एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। अब अनकॉमन में ये एक्स माइनस 3, ये वाला एक्स प्लस 3 और ये एक्स माइनस 2, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 2। एल सी एम क्या है हमारा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इनको मैं ज़रा दे लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आंसर आ रही, देखिए आंसर क्या है कि ये वाली टर्म और ये वाली। जवाब देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एल माइनस एक्स स्क्वायर, एल नहीं वन है सॉरी, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वन लिखा है, मुझे वैसे ही लिखना चाहिए। और तीसरे वाली है वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। आसान फैक्टर्स है वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। अब ये क्या होगा, इसको मैं एक्स क्यूब प्लस वन भी लिख सकता हूँ ना, एक्स क्यूब प्लस वन सॉरी वन प्लस एक्स क्यूब में लिखना चाह रहा था, वो मैंने इसलिए लिखा कि ये ना इन इसकी तरह की फॉर्म में आ जाए, वन वन प्लस एक्स क्यूब। तो यह आएगा वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको इसमें सारे उल्टे करके लिखे हुए, इसमें भी खैर करके देख लेते हैं। इसको आप माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप माइनस टू एक्स स्क्वायर फैक्टर्स इसके बना लेते हैं हम, जब देखता हूँ माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन करके देखता हूँ, माइनस टू एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन अंदर आ गया, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स आ गए, एक्स प्लस वन कॉमन ले लें तो अंदर आ गया जी माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको मैं एक्स प्लस वन इंटू वन माइनस टू एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके तो कॉमन देखते हैं, वन प्लस एक्स और एक्स प्लस वन एक ही बात है, ये वाला। वन माइनस एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये चीज़ इसमें ही है और कहीं नहीं है, बाकी सारे के सारे अनकॉमन हो गए।
बाय चांस कि अब तक जितने सवाल आए हैं उनमें अनकॉमन जो होते हैं वो किसी में भी नहीं होते अपने अलावा, लेकिन हो सकता है दो में हो, याद रखिएगा। तो फिर आपने उन्हें ना काउंट करना है कॉमन में। तो 1 माइनस x इंटू इस इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस x² माइनस x। अभी इनको इकट्ठा कर लेंगे एलसीएम में। 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस 2x 1 प्लस x² माइनस x। तो ये हो जाएगा, इसको मैं 1 माइनस x² लिखूँगा, 1 माइनस 2x 1 माइनस x प्लस x². देखता हूँ जवाब किस तरह दिया है, मे बी इनको मल्टीप्लाई कर दें किसी को, देखता हूँ प्रॉब्लम में। हाँ जी, उन्होंने ना जवाब में ना इसको और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ, कर देते हैं। 1 माइनस x प्लस x² माइनस 2x प्लस 4x² -2x³, 1 माइनस x² 1 माइनस x माइनस 2x -3x प्लस 5x² माइनस 2x³। बुक में उन्होंने 3x² लिखा, दैट मीन्स कि मैंने कहीं गलती की है। ये साइन फिर माइनस होना चाहिए, कैसे आएगा? हाँ, ये साइन माइनस ही है ना, नहीं प्लस है। मैं देखता हूँ अभी इसे, मैंने यहाँ पे गलती की है कि यहाँ 4 नहीं आता है, 2 आता है, क्योंकि -2x इंटू -x +2x² आएगा, तो ये 3 है। वो का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, x4 प्लस x3 -6x² अगला वाला है x4 -9x² और तीसरा वाला है x³ प्लस x² -6x। मैं चेक कर लो ज़रा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली टर्म में x² सब में कॉमन है, तो x² पहली बार निकाल लेते, तो x² प्लस x - 6 आ गया। तो इसको x लिख लें, x लिख लें और इसके फैक्टर्स बना लें, x² प्लस 3x - 2x - 6। x कॉमन ले लिया, तो x+3 - 2 कॉमन लिया, तो x+3, तो ये जनाब आ गया x x इंटू x+3 इंटू x-2। इसमें भी वही सूरत हाल है, बेहतर x² कॉमन निकाल लें, तो x² - 9, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x इंटू x, x² - 9 का आप क्या लिखेंगे, x-3 इंटू x+3। इसमें x कॉमन है, x निकाल लें, x² प्लस x - 6, ये वही चीज़ है, x² प्लस x - 6। इसके क्या फैक्टर्स हैं, x, ये इसके फैक्टर्स हैं, x+3 इंटू x-2। कॉमन देखते हैं, ये देखें, ये एक x है और एक ये x है और एक नीचे वाले में x है, ठीक है। अच्छा, और ये एक एक्स है और इसमें भी एक्स है, ये भी कॉमन के खाते में आ गया। ये x+3 इंटू x-2 है, ये x+3 है, पर कल देखें तीनों में x+3 है एक। अच्छा जी, अब ये x-2 है, ये x-3 है, x-2, तो ये x-2 भी कॉमन हो गया।
तो एक्स, उसके बाद दोबारा एक्स, फिर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, कितने थे लाइनें? 1 2 3 4, ठीक है। और अनकॉमन में क्या आता है? ये सारे हो चुके हैं, इसमें सिर्फ ये बचा x-3। तो एलसीएम क्या होगा? x² इंटू x+3 इंटू x-2 इंटू x-3। तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर दे, x² इंटू x-2 इंटू x²-9। अब देखना पड़ेगा क्या उन्होंने वो मल्टीप्लाई किया नहीं किया, लेकिन बहरहाल देखते हैं। उन्होंने x-2 को रख के तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब पता नहीं उनकी क्या अप्रोच है, लेकिन बहरहाल हाँ कर लेते हैं, क्योंकि अगर देखें कॉमन में इतने सारे आते थे, अगर करना ही था तो इनको इकट्ठे कर लेते, तो इसको बाहर रहने देते, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब सा किया हुआ, लेकिन बहरहाल मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो ये x-2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आएगा -9x². अब मुझे नहीं समझ आ रही क्या ज़रूरत थी कि x² कॉमन है, बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल एनीवे बुक का ये आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 13, L² - M² L4 - M4 L6 - M6। इसको मैं जानबूझ के ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि सब में आएगा। देखिएगा इसको भी आप जो ना L² - M² का क्यूब बना सकते हैं। तो इसे L² - M² मैं ऐसे लिख रहा हूँ जानबूझ के, इसको एल का स्क्वायर माइनस एम टू का स्क्वायर, सॉरी L² का स्क्वायर M² का स्क्वायर, तो आ जाएगा L2 - M2 इंटू L2 + M2। ये आ जाएगा L2 का क्यूब - M2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा L2 - M2 L4 + M4 + L² M² दी L² - M² सब में आ गया। L² - M² और अनकॉमन में L² + M² into L4 + M4 + L² M² तो LCM क्या आएगा? L2 - M2 into L2 + M2 into L4 + M4 + L2 M2। ये L4 - M4 हो गया दोनों पहले वाले, बाकी L4 + M4 + L2 M2। जवाब गलत तो नहीं होना चाहिए, बहरहाल देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 है a³ + 1, उससे आगे है a⁴ + a² + 1 और आखिरी वाला है a² + a+1, और इसका उन्होंने स्क्वायर दिया हुआ। इसको आप लिखेंगे a+1 into a² - a+1, ठीक है? हाँ सही है, साइन को मैंने ठीक ही कर देता हूँ। सही, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये a² का स्क्वायर आ गया प्लस ये 1 का स्क्वायर, और ये जो चीज़ है ना, ये 2a² बनाना, तो अगर मैं 2a² बनाऊँ तो
तो मुझे ए के स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये इसको अब मैं एक तरह से इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इसको ज़रा नीचे करने लगा हूँ, नहीं ज़रूरत नहीं है, इधर भी कर सकते हैं। ठीक, ए स्क्वायर प्लस 1, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ना, ये एक एक टर्म समझ लें और ये दूसरी टर्म समझ लें, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए माइनस ए। और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब कॉमन ढूंढते हैं, ए प्लस 1 कहीं और है, नहीं है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, जी बिल्कुल ठीक है, इधर नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये इधर भी आ रही है। अब अनकॉमन, ये कॉमन में क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। और अनकॉमन में क्या आया, ए प्लस 1, इधर से ये बच गया था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 1, और ये फिर ये दो रख में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब इसको दो दफ़ा लिखना है, मैं स्क्वायर लगाने लगा, होपफुली जवाब ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जो बुक का जवाब है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन मतलब शेप डिफरेंट, लेकिन जवाब यही है। जवाब उन्होंने लिखा है ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखें, दोनों जवाब एक ही हैं, ये देखें ये टर्म तो सेम है ना। अब इस टर्म के मैं अगर ऐसे करूँ कि ए प्लस 1 को पहले लिखूँ, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और इसको दो दफ़ा लिख दूं। अब मैं इन दोनों को अगर मिला दूं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ये जो चीज़ बनेगी ना, ये चीज़ बनेगी, क्योंकि हमने ये देखें करके देखा हुआ, और बाद में ये प्लस वाली टर्म इधर आ जाएगी। तो बुक और हमारा जवाब एक ही है, सिर्फ एक डिफरेंट तरीका लिखने का। क्वेश्चन नंबर 15, फिफ्टीन क्वेश्चन है, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए 4 माइनस बी 4, और ए 6 प्लस बी 6। तो यह आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये जी आएगा ए माइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके क्यूब में ले लूँ तो ये आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए 4 प्लस बी 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, इसका मैं देख रहा हूँ मज़ीद कुछ कर सकते नहीं कर सकते, फॉर्मूला मुकम्मल करना हो तो माइनस 2 ए स्क्वायर चाहिए, माइनस एक और लगाऊंगा बाहर प्लस हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे।
मैं ऐसे ही छोड़ा हूँ अभी फिलहाल। तो कॉमन देखते हैं। ए प्लस बी, ये वाला ये है ए प्लस बी, बस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, कहीं नहीं। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और जो कि इसमें भी है। और अनकॉमन वो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी तरफ से ए माइनस बी और इनकी तरफ से ये। एलसीएम आपका आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये रख में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए फोर प्लस बी फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये और ये मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और अब दो पॉसिबिलिटीज है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसके साथ मिला दूँ तब एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये कि ठहरे मैं पहले लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए फोर प्लस बी फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, इन दोनों को मिला सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी एक तो ये ना कि इसको मिला दें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको और इसको मिला दें। नहीं, इसके ये नहीं मिलते, मेरा ख्याल ऐसे ही होगा, छोड़ें मैं गलत कह रहा हूँ। इनको मिलाएंगे तो ए फोर माइनस बी फोर, और उसी तरफ बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए फोर प्लस बी फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनके बारे में सोच रहा हूँ, ये मिलते हैं आपस में? नहीं, सही है, मेरा ख्याल है कि जवाब ये होना चाहिए, ए फोर माइनस बी फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3। पहला ये तो इसके फैक्टर्स अभी बना लेता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 2x+3, तो ये आएंगे 2, सॉरी x कॉमन लिया, सॉरी, तो 2x+3 प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x+3, तो ये आ गया 2x+3 इंटू x+1। जो अगली वाली टर्म है वो है x² प्लस 2x+1, वो आएगी x² प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, जो कि बनेगा x कॉमन ले लिया तो x+1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x+1। x+1, ओ ये तो x+1 का स्क्वायर था, सॉरी नोट ही नहीं किया मैंने। और तीसरी वाली टर्म है 2x² प्लस 9x+9, 2x² प्लस 9x+9, ये 2x² प्लस 6x+7, 3x अगर 9 2 18, 18 के फैक्टर 6 × 3, 3x+9, तो 2x कॉमन ले लिया तो x+3, इधर से आपने 3 कॉमन लिया तो x+3, तो ये आ गया x+3 इंटू 2x+3। कॉमन क्या है, 2x+3 कहीं और है? बिल्कुल है,
फिर बन गया इसका एक्स प्लस वन है कहीं और है, बिल्कुल है जी, फिर बन गया एक्स प्लस वन इधर नहीं है मज़ीद और एक्स प्लस थ्री कहीं और नहीं है बस, ठीक है। तो कॉमन आ गया 2x+3 × x+1। अनकॉमन में क्या है कि ये वाला एक्स प्लस वन और एक ये वाला एक्स प्लस थ्री, तो एलसीएम क्या हो गया 2x+3 × x+1 × x+1 x+3। ये मिला दें अगर तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू 2x+3 × x+3। इनको वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर देता हूँ मैं, 2x² +6x+3x+9 जाता है एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू 2x² + 9x+9। देखते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन। a² + 4ab + 4b² a² + 4ab + 4b² इसको मैं कर ही लेता हूँ पहले। ये a का स्क्वायर हो गया +2 into a into 2b + 2b² तो ये आ गया a+2b² जो कि a+2b into a+2b। अगली टर्म है a² + 3ab + 2b² ये होगा a² + 2ab + ab + 2b² ए कॉमन ले लें तो a+2b और इधर से मेरा ख्याल b कॉमन लेंगे तो a+2b, तो ये आ जाएगा a+2b × a+b। और तीसरे वाली टर्म है a² + 3ab + 2b² नहीं गलत लिखा मैंने, a² + 2ab + b² लिखा हुआ। a² + 2ab + b² तो ये सीधा साधा स्क्वायर है a+b × a+b का। कॉमन ढूंढते हैं, a+2b कहीं और है, ये है बिल्कुल है, तो a+2b का पेयर बन गया। a+2b कहीं और है, नहीं पेयर नहीं बनता इसका। अब इस टर्म का a+b और इसका भी एक a+b है, तो ये क्या हो गया a+2b × a+b। और अनकॉमन में क्या है, एक भाई साहब ये रहते हैं और एक ये रहते हैं a+2b और इधर a+2b और इधर से a+b, तो एलसीएम बहुत सीधा साधा, a+2b और ये a+b, इसका a+2b × a+b दो स्क्वायर बनते हैं, a+2b का स्क्वायर इंटू a+b का स्क्वायर। एक्सेलेंट जवाब, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो से टॉपिक 5.8.2 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।